पी सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे। पी सेक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आई सेक्शन पी सेक्शन हैविंग इक्वल फ्लैंजेस 12 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर एंड वेव 12 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है एक टी सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है, इसमें कि हमको फ्लेंज का जो दिया हुआ है डायमेंशन 12 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर 12 बाई 4 ये वाला रहता हमारे पास जो डायग्राम है टी सेक्शन का, तो इसमें हमारे पास विड्थ रहेगा कितना 12, ज़्यादा वाला हम लोग दिखाएंगे तो 12 सेंटीमीटर ये रहेगा और वेव रहेगा ये थिकनेस रहेगा टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब वेव का दिया हुआ है वेव में दिया हुआ 12 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, तो 12 दिया हुआ है तो ये रहेगा हमारे पास 12 स्मॉल डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ये बी स्मॉल भी रहेगा वो 4 सेंटीमीटर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल बी की जगह पे 4 सेंटीमीटर। ये दिया है डायमेंशन। अब इसमें हम लोग कैपिटल डी जो निकालेंगे तो कैपिटल डी आ जाएगा हमारे पास, ये जो कैपिटल डी आएगा ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक रहता है और डी इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर डी आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे, कैपिटल भी हमारे पास ये फ्लेंज है, फ्लेंज के जो वेव दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर बाई 4 दिया हुआ है 12 बाई 4 और जो वेव है तो वेव का 12 बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके डायमेंशन को कैपिटल डी ये हो जाएगा स्मॉल डी ये। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को साफ कर दें इसको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आ जाएगा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला हो जाएगा बी डी बेस टू क्यू अपॉन 12 माइनस कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी डी बेस टू क्यू अपॉन 12 आई निकालेंगे वाई वाई के फॉर्म में वाई वाई एक्स में निकालेंगे, तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो कैपिटल बी हमारे पास 12 है, कैपिटल डी हमारे पास 16 है अपॉन 12 माइनस कैपिटल बी हमारे पास 12 है माइनस स्मॉल बी हमारे पास 4 है इंटू स्मॉल डी हमारे पास 12 है 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई वाई वाई इक्वल टू 6848 सेंटीमीटर रिस टू 4, ये निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर फ्लेंज, फ्लेंज का एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे फॉर फ्लेंज फ्लेंज के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू एवरेज इक्वल टू एफ अपॉन 8i कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। इसके द्वारा हम लोग निकाल लेंगे एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो एफ रख देंगे यहाँ पर शेयर फोर्स, इसमें 200 किलोमीटर दिया हुआ था हम लिख नहीं पाए थे, यहाँ पर लिख देते हैं शेयर फोर्स इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर हम 200 रख देते हैं 8 इंटू आई हमारे पास है 6848 इंटू कैपिटल डी हमारे पास है 16
16 का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी हमारे पास है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज शियर स्ट्रेस। इसको सॉल्व कैलसी से करेंगे जीरो पॉइंट फोर जीरो एट आ जाएगा यहाँ पर एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर फ्लैंज, 0.408 एवरेज शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर फ्लैंज, ये निकल आएगा। यहाँ डिनोटेड कर देंगे जीरो पॉइंट फोर जीरो एट किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने के बाद हम लोग वेव का एवरेज शियर स्ट्रेस निकालेंगे। फॉर वेव वेव का निकालेंगे तो वेव का फार्मूला हो जाएगा क्यू एवरेज इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी इनटू एफ अपॉन एट आई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। ये हमारे पास ये रखा हुआ तो इसमें हम रख देंगे कैपिटल भी हमारे पास 12 है अपॉन स्मॉल भी हमारे पास 4 है इनटू ये हम यहाँ से डायरेक्ट ये वाला वैल्यू रख देंगे तो 0.408 इसको हम करेंगे जब हम सोल्व तो हो जाएगा 1.224 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर वेव। इस तरीके से एवरेज शियर स्ट्रेस निकालेंगे किसका वेव का, यहाँ वेव का दिखा देंगे हम लोग तो वेव का आ जाएगा 1.224 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेव का आने के बाद हम लोग निकालेंगे फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यहाँ निकाल देते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्स इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन एट आई कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो एफ हमारे पास 200 है 200 अपॉन 8 इंटू आई है 6848 इंटू कैपिटल बी हमारे पास 12 है स्मॉल बी 4 है कैपिटल बी है हमारे पास 16 स्मॉल डी हमारे पास है 12 प्लस स्मॉल डी कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्यू मैक्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ले लेना रख लो वही वही रख दो बोल दो वही रख दो भी उठा लेंगे। किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा।
सो यहाँ रख देंगे 1.752 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसमें एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज, एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑफ बेब एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ टी सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। फ्लेंज का निकालते हैं, बेब का निकालते हैं और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। इस तरीके से बाकी सभी टी सेक्शन के क्वेश्चन का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं। और इस तरीके से हम लोग टी सेक्शन बनाते हैं, बी स्मॉल टी, डी और कैपिटल डी, और ये बी सबके डायमेंशन दिखाने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच करके यहाँ से कर्व बनाते हैं। एवरेज शेयर फ्लेंज आ जाएगा, इससे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं थोड़ा सा, एवरेज शेयर स्ट्रेस बेब का आ जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा कर्व खींच के यहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट को मिला देते हैं। ये बन जाता है हमारे पास टी सेक्शन। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, इसको लिख लेना। शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स 200 किलोमीटर है। इस तरीके से हम लोग टी सेक्शन में क्वेश्चन बाकी सभी कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।